दोस्तों कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर सुपरनैचुरल शो नागिन हमेशा ही अपनी दमदार स्टोरी और सुपरहिट कलाकारों की वजह से अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है। वेल हाल ही में शो के मेकर यानी कि एकता कपूर ने सीरियल नागिन का सीजन 5 भी शुरू कर दिया है, जिस वजह से उन्होंने खूब ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी हैं। टीआरपी लिस्ट से पता चलता है कि दर्शकों को नागिन 5 काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। सीजन की शुरुआत में हिना खान नागिन के अवतार में नजर आ रही थी, लेकिन बाद में सुरभि चंदना नागिन के अवतार में नजर आ रही हैं। शो में बानी वीर और जय का लव ट्रायंगल दर्शकों के अट्रैक्शन का कारण भी बना हुआ है। नागिन 5 में जहां वीर के रोल में शरद मल्होत्रा नजर आ रहे हैं, तो वहीं जय के किरदार से मोहित सहगल धमाल मचा रहे हैं। और आज हम आपसे नागिन 5 से जुड़े स्टारकास्ट के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस हिना खान की। जी हाँ दोस्तों, नागिन सीजन 5 में हिना खान ने नागेश्वरी का किरदार निभाया। ये किरदार भले ही हिना खान का एक कैमियो रोल है, लेकिन हिना खान ने अपने दमदार अभिनय से सभी का दिल जीता और नागिन के किरदार में हिना खान सभी को खूब पसंद भी आई। और अब हिना खान के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनका नाम रॉकी जायसवाल के साथ जोड़ा जाता है। दोनों की मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर ही हुई थी, जहां हिना खान लीड किरदार में थी, तो वहीं रॉकी जायसवाल सीरियल के एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। आपको बता दें कि अक्सर दोनों कई रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, तो वहीं दोनों के रिलेशनशिप को भी तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कुंडली भाग्य फेम एक्टर धीरज धूपर का। सीरियल नागिन में धीरज धूपर ने चील का किरदार निभाया, जिसे सभी ने खूब पसंद भी किया। इनके रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनका नाम विनय अरोड़ा है। आपको बता दें कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ प्रोफेशन से टीवी इंडस्ट्री में ही हैं। धीरज धूपर की वाइफ विनय अरोड़ा भी कई सुपरहिट सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। बता दें कि इस कपल की शादी लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनके फैंस को भी इनकी ये जोड़ी खूब ज्यादा पसंद आती है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है एक्ट्रेस सुरभि चंदना का। स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो इश्कबाज फेम एक्ट्रेस सुरभि चंदना आजकल इच्छाधारी नागिन के रूप में खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। भले ही सुरभि अब तक शादी के बंधन में ना बंधी हो, लेकिन उनका लिंकअप की खबरें जरूर आती रहती हैं। पिछले काफी वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि वो अपने दोस्त करण शर्मा को डेट कर रही हैं, जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं, तो वहीं दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त भी बिताते हैं। आपको बता दें कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्दी ही शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है एक्टर मोहित मल्होत्रा का। दोस्तों वैसे तो एक्टर मोहित मल्होत्रा अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, लेकिन ऐसी खबरें जरूर हैं कि एक्टर गली बॉय फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई को डेट कर रहे हैं। दोनों ही अक्सर एक साथ हैंग आउट करते हुए भी नजर आते हैं। वेल खबरें ऐसी भी हैं कि दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। बता दें कि सीरियल में मोहित मल्होत्रा हृदय का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कबूल है फेम एक्टर मोहित सहगल का। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल नागिन में मोहित सहगल जय माथुर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्टर ने साल 2016 में एक्ट्रेस सनाया ईरानी से शादी के बंधन में बंधे थे। आपको बता दें कि दोनों ने साल 2008 में सीरियल मिले जब हम तुम में एक साथ काम किया था। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत भी हुई और आज दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी हैं और इनकी रील और रियल लाइफ की जोड़ी भी सबको खूब ज्यादा पसंद आती है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है एक्टर शरद मल्होत्रा का, जो कि सीरियल में वीर सिंघानिया का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टर ने अपनी दोस्त रिप्सी भाटिया से शादी की है। रिप्सी भाटिया प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर है और दोनों ही अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ खूब सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कलर्स टीवी के सुपरनैचुरल शो नागिन 5 में इन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स को। वेल इन सभी में से आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।